नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बजे है शाम के 7 और हम निकल गए हैं पुणे से मुंबई की तरफ। पुणे से मुंबई का रास्ता जो है लगभग 2.5 घंटे का है और अभी हम पहुंच गए हैं खोपोली टोल, जहाँ पे एक फूड प्लाजा है। तो चलिए फूड प्लाजा के अंदर चलते हैं और यहाँ से ले लेंगे कुछ स्नैक्स। यहाँ पे काफ़ी सारे ईटिंग आउटलेट्स है, लेकिन हम लेंगे चाय और वड़ा पाव। बहुत दिन हुआ है वड़ा पाव खाकर, तो यही ऑर्डर किया है। और जल्दी जल्दी यहाँ से स्नैक्स करके हम निकल जाएंगे मुंबई के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। आज है षष्ठी और हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और दुर्गा देवी का दर्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमने वड़ा पाव के साथ थोड़ा सा कांदा भजी भी लिया है और काफ़ी ऑथेंटिक स्टाइल में इसे बनाया भी गया है। इसके अलावा ये लोनावाला के बहुत पास है, तो यहाँ पे चिक्की के भी बहुत दुकानें हैं। खोपोली से मुंबई के लिए 1 घंटे का रास्ता है। वैसे हम नवी मुंबई में रहते हैं और नवी मुंबई में भी बहुत सारे दुर्गा उत्सव होते हैं, तो आज षष्ठी है और लगभग सारे ही जो पंडाल है उनका उद्घाटन हो जाता है। देवी के दर्शन हम आज से ही ले सकते हैं। तो आज हम नवी मुंबई में जहाँ हम रहते हैं वाशी के आसपास के कुछ दुर्गा पूजा में हम जाएंगे। पिछले साल दुर्गा पूजा में हम गए थे कोलकाता, और कोलकाता में दुर्गा पूजा का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही माहौल रहता है। तो इस साल हमने सोचा कि दुर्गा पूजा के समय हम मुंबई में आएंगे, और मुंबई में मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं और फैमिली के साथ दुर्गा पूजा हो या दिवाली स्पेंड करने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे हम आए हैं सबसे पहले दुर्गा पूजा पैंडल में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ पैंडल को सजाया गया है। कैलकटा से बहुत सारे कारीगर आकर इस पैंडल को सजाते हैं, और ये पूरे पैंडल को कूला से सजाया गया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट फॉर्म है वेस्ट बंगाल में। और आप देख सकते हैं भगवान का प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है। महाषष्ठी से ही वाशी में दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है नवमी तक, और बचपन से ही हमारा इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है कि कब दुर्गा देवी आएंगी और हमारे साथ समय बिताएंगी, हम पुष्पांजलि देंगे और नए कपड़े पहनेंगे। तो चलिए अब चलेंगे हम सिडको एग्जीबिशन सेंटर में, जहां दुर्गा पूजा हो रहा है। और ये वाशी का बहुत ही जाना माना दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा यहाँ पर बहुत सालों से बहुत ही लार्ज स्केल में मनाया जाता है। एंट्री में ही बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बुक स्टॉल्स हैं, खाने के स्टॉल्स हैं। तो चलिए अभी हम पहले अंदर चले जाएंगे और दुर्गा देवी का दर्शन लेंगे। हर दुर्गा पूजा के मंडप में हमें दुर्गा प्रतिमा का एक नया रूप देखने मिलता है, और इस रूप में भी दुर्गा देवी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर से सजाया गया है, ऊपर बहुत सारे लैंटर्न्स लगाए हैं। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है और अभी लगभग रात के 11:30 बजे है, लेकिन अगर आप क्राउड देखोगे इस मंडप में, आपको लगेगा नहीं कि रात हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग डांडिया खेलने के बाद भी यहाँ पे आए हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी यहाँ पे भक्तों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो कल भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आने का। और चलिए आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंगाली कुजीन के ऑप्शंस हैं, तो यहीं से हम डिनर कर लेंगे। आज का ये शॉर्ट व्लॉग अगर आप सभी को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।